प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को फीस वापस। हाँ साथी, और ये निराश होकर ना बैठे कि सर हमारी जो फीस है वो ऐसे ही चली गई। तो भाई ऐसे नहीं जाने वाली है, इसमें आपको कैसा फॉर्म भरना पड़ेगा तब आपको ये जो फीस है आपकी ये वापस मिलने वाली। तो वो जो पैसे है अपना बैंक सही रखना, बस बैंक में कोई मिस्टेक ना हो साथियों। फिर आप गड़बड़ कहोगे कि सर हमारा तो ये मतलब खराबी थी, इसमें मिस्टेक था, तो बैंक आपका चालू होना चाहिए, आपको जो पैसे हैं आपके वापस मिल जाएंगे, आपके बैंक में ही आ जाएंगे सीधे आप। जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ, और ये जो वीडियो है बहुत ही सभी के लिए खास होने वाली है, क्योंकि साथियों ये जो वीडियो है इसमें आप सभी को सूचना मिलने वाली है कि आपने देखिए ये जो है राजस्थान BSTC काउंसलिंग फीस रिफंड। हाँ साथियों, जिसने BSTC का फॉर्म भरा था, जिसने एग्जाम दिया था, उनको तो कॉलेज आदों को तो मिल चुकी है, जिनको मिलनी थी उनको तो मिल चुकी है, अब जिनको नहीं मिली वो निराश होकर बैठे हुए हैं कि सर हमको कॉलेज भी नहीं मिली और हमारी जो फीस है वो भी जा चुकी है, डूब चुकी है, अब हम क्या करें। साथियों आप घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए है, है ना। तो इस वीडियो में खास बात ये होने वाली है कि देखिए यहां पे देखिए, आप मेरी बात मत मानिए, प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को फीस वापस। हाँ साथियों, BSTC में जिसने फॉर्म भरा था, जिसने एग्जाम दिया था और जिनको कॉलेज नहीं मिली उनको को अपनी फीस वापस मिलने वाली है। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और इस वीडियो को समझोगे ना तभी आप आपकी फीस वापस मिलेगी आपको, ठीक है। तो हमारे साथ है राजेश सर जो कि आपको पूरी जानकारी के साथ समझाने वाले हैं, ठीक है। आप बस वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो दूसरे जो लोग हैं वो भी अपनी फीस वापस ले सके, है ना साथियों। आप उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करोगे तभी उनको पता चलेगा कि भाई हमारी जो फीस है BSTC वाली वो कैसे वापस मिल सकती है। तो आइए साथियों, आज हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाले हैं, बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। काफी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फीस गवा बैठी है, उनका नंबर भी नहीं आया है और वो फीस भी वैसे ही गई है, तो आप टेंशन ना लो, है ना। ये जो आप आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं पूरी जानकारी आपको फीस दिलाने की ही है, ठीक है। तो राजेश सर हमारे साथ है, आपको पूरी जानकारी से समझाएगा, तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। राजेश सर आप इनको पूरी जानकारी के साथ समझाइए ताकि इनको संतुष्टि मिले और ये निराश होकर ना बैठे कि सर हमारी जो फीस है वो ऐसे ही चली गई। तो भाई ऐसे नहीं जाने वाली है, इसमें आपको कैसा फॉर्म भरना पड़ेगा तब आपको ये जो फीस है आपकी ये वापस मिलने वाली है। तो चलिए साथियों देख लीजिए, राजेश सर आपको पूरी डिटेल बताएगा। जय हिंद वंदे मातरम प्यारे साथियों, प्रवेश में सफल रहे अभ्यर्थियों को फीस वापस मिलेगी। देखो मेरे प्यारे साथियों, आपने BSTC का फॉर्म भरा, परीक्षा दी, पास हुए या नहीं हुए वो बाद की बात है, जो पास हुए हैं अच्छे नंबरों से उनको तो काउंसलिंग में कॉलेज मिल गई। बिल्कुल। अब जो मेरे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने पहला प्रयास किया हो, बिल्कुल, हो सकता है किसी कारणवश उनका नंबर नहीं आ सका, वो पास नहीं हो सके, अब उनकी जो काउंसलिंग हुई थी उसमें उन्होंने फीस जमा करवा दी, जमा तो करवानी ही थी भाई, कॉलेज मिलेगी तो इस वजह से जमा तो सभी को करवानी पड़ती है, चाहे वो BSTC हो चाहे वो BEd वाले हो, काउंसलिंग फीस सबको जमा करवानी पड़ती है। अब जिन प्यारे भाइयों ने फीस जमा करवाई है और जिन्होंने कॉलेज प्राप्त कर ली है वो तो ठीक है, अपनी कॉलेज उनको मिल गई, लेकिन जो मेरे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको कॉलेज नहीं मिल पाई है, वो या तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था इस वजह से वो पास नहीं हो पाए, तो वो पैसा गवा चुके हैं, अब वो इस चिंता में हैं कि हमारे पैसे क्या डूबेंगे, वापस मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, क्या करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का मानसूर रोजगार में। चलिए इसी की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप सफल नहीं हो पाए हैं किसी भी कारणवश, तो भाई आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद में उसमें पूरी डिटेल भरी जाएगी, वो फॉर्म आपको ई मित्र से भरना है, ऑनलाइन भरना है, और ई मित्र वाले भरेंगे, उनका काम ही यही है, उनका रोजाना का काम है, ठीक है, फॉर्म भरने का, वो अपने आप भर देते हैं, जो जो डिटेल आपसे मांगी जाए वो डिटेल आप बताते जाना, वो फॉर्म भर देंगे, उससे फिर क्या होगा, आपका जो पैसा लगा था वो आपको वापस बैंक में मिल जाएगा।
अब देखो इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन ई मित्र से जाके भरना है। 28 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यदि किसी भी प्यारे भाई बहन की फीस जो है वो वापस लेनी है तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है सर। तो 28 जून को स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ना प्यारे साथियों, वो है 31 जुलाई। यानी कि 31 जुलाई से पहले पहले आप फॉर्म को भर देंगे तो आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। और देखो ये फॉर्म आप भरोगे तभी आपके पैसे वापस आएंगे। फॉर्म नहीं भरोगे आप ऐसे सोचोगे कि अरे पहले ही लगा दिया था हमने तो सिस्टम हो गया हमारा तो आवाज आएंगे वापस, ऐसे पैसे वापस नहीं आएंगे प्यारे साथियों। आपको जो है फॉर्म भरना ही पड़ेगा। प्री डीएलएड एग्जाम 2022 में हुआ था उसके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को शुल्क राशि वापस मिलेगी। बिल्कुल, जिन्होंने भी यहां पे काउंसलिंग के पैसे जमा करवाए थे उनको कॉलेज नहीं मिल पाई है किसी भी कारणवश से, तो उनको उनका पैसा वापस मिल जाएगा। देखिए साथियों, आपने पैसे दिए थे कितने भाई, उनके काउंसलिंग के पैसे लगे थे कितने, 5000 ही लगे थे ना। अब वो जो भी लगे हो 5000 लगे भाई, 5000 लगे हो चाहे 7000 लगे हो चाहे 10000 लगे हो, आप ये पढ़ सकते हो यहाँ पे। प्री डी एल एड एग्जाम 2022 के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल रहे अभ्यर्थियों को शुल्क राशि वापस मिलेगी। साथियों ये मतलब अपने पैसे गवाए थे कि भाई हमें कोई नई दूसरी कॉलेज मिलेगी उसके लिए हम पैसे दे देते हैं, मित्र वाले को जमा करवाए थे, तो वो जो पैसे हैं अपना बैंक सही रखना बस, बैंक में कोई मिस्टेक ना हो। साथियों फिर आप गड़बड़ कहोगे कि सर हमारा तो ये मतलब खराबी थी, इसमें मिस्टेक था, तो बैंक आपका चालू होना चाहिए, आपको जो पैसे हैं आपके वापस मिल जाएंगे, आपके बैंक में ही आ जाएंगे सीधे आपके पैसे, ठीक है। तो बैंक को आपको अपना सही रखना है, अपडेट रखना है, वो कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए। लो जी आपका जो खाता है ना प्यारे साथियों चालू होना चाहिए, बस एकदम टकाटक चालू होना चाहिए। बैंक डिटेल सही भरनी है आपको। हाँ, जब आप फॉर्म भरो तो वहां आपके पासबुक के नंबर मांगे जाएंगे, पासबुक के नंबर सही से देना, एक अक्षर की भी गलती आपके पैसे गवा सकती है। बिल्कुल, बहुत ही, इसलिए अपने खाता संख्या सही भरना। और खाता या तो स्वयं का हो तुम्हारा, बिल्कुल, या फिर अपने मम्मी का हो या अपने पिताजी का हो, बहुत बढ़िया, इनमें से किसी एक का ही डिटेल देनी है खाते की। ऐसा नहीं है कि मम्मी की भी लगा दी, पापा की भी लगा दी, खुद की भी लगा दी कि ले भाई एक ना तो एक में तो आवे ही गो, नहीं ऐसी गलती मत करना। एक ही खाते का डिटेल देना है, चाहे खुद की दे दो चाहे मम्मी की चाहे पापा की, किसी के भी खाते की डिटेल दो, एक की ही देना है। और सही प्रकार से आपका खाता चालू रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो बंद पड़ा है या और, खैर वैसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी कारणवश से आपका जो खाता है वो स्टॉपेड हो जाता है भाई, काफी दिनों से आपने लेन देन नहीं करी हो, किसी भी कारणवश से आपका खाता स्टॉपेड हो गया हो, तो वो तो कोई समस्या नहीं है, वो तो खुल जाता है, चालू हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ और ही गड़बड़ हो, पैसे आ जाएं फिर वो निकाल ही ना पाओ, तो ऐसी कोई गलती ना हो। तो साथियों ऐसी गलती मत करना, बस आप इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं तो आपसे शुरू में भी यही कहा था कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे गवा बैठे हैं और वो ऐसे मतलब अनजान है, पहचान नहीं पा रहे हैं कि सर हमारे जो पैसे हैं वो कैसे मिले हमें वापस, तो इस वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों तक, उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये जो फॉरम की अंतिम तिथि है 31 जुलाई तक साथियों आपको ये जो फॉरम है ये फॉरम ई मित्र वाले के पास जाकर और भर देना है। अपने बैंक का नाम, अपना बैंक का खाता नंबर, हर चीज अच्छे होनी चाहिए। अगर कोई मिस्टेक हुई साथियों तो आप स्वयं उसके जिम्मेदार रहोगे, ठीक है। फिर आप हमें मत कहना कि सर हमारे ये जो पैसे हैं ये वापस नहीं आए हैं। साथियों आपको पहले भी मैं बता रखा हूं और अब भी मैंने बता दिया है कि आप अपना नाम सही तरीके से भरिएगा और अपना पैसा आराम से ले लीजिएगा, बस आपको यही करना है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती है वो सभी आपके साथ शेयर की जाती है साथियों। और जितने भी हमने वीडियो बना रखी है सभी बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में, ताकि हर विद्यार्थी हर चीज को समझ सके। तो हम बहुत ही परफेक्ट तरीके से एकदम सिंपल भाषा में बिल्कुल अच्छे से वीडियो बनाते हैं ताकि उनको अच्छे से आसान हो सके और अच्छे से समझ में आ सके साथी। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।